महाराष्ट्र की रैली से प्रधानमंत्री मोदी ने दो चरणों की वोटिंग पर कहा कि एनडीए 2-0 से आगे है तो महाराष्ट्र की एक ही चुनाव जनसभा से। प्रियंका गांधी कह रही हैं कि बीजेपी दो चरणों की वोटिंग के बाद से घबरा गई है और बैकफुट पर आ गई। नरेंद्र मोदी जी के मंत्री, उनके सांसद, उनके उम्मीदवार देश भर में घूम के कह रहे हैं कि दे दो हमें 400 सीटें, देखना हम संविधान भी बदल डालेंगे। संविधान क्यों बदलेंगे, किस लिए बदलेंगे? आपके अधिकारों को कमजोर करने के लिए। वो जानते हैं कि ये अधिकार संविधान ने आपको दिए हैं। जब ये बात फैल गई पूरे देश में, मोदी जी को दिखने लगा कि पहले चरण में उनको कम वोट आ रहे हैं, घबरा गए, बौखला गए। फिर आपके सामने हर मीटिंग में कहने लगे कि हम संविधान को नहीं छुएंगे, तो फिर ये कहलवाया क्यों? मैं तो नहीं मानती कि इनकी पार्टी में इनके उम्मीदवार और इनके मंत्री पूरे देश भर में घूम के ये कहेंगे कि हम संविधान को बदल देंगे और नरेंद्र मोदी जी की इजाजत के बिना कहेंगे। लोग तो कहते हैं इनकी इजाजत के बिना पत्ता नहीं हिलता भाजपा में।